अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फ्रॉक शेयर करने वाली हूँ, 2.5 साल की बच्ची का। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, शिफॉन का फैब्रिक है, हमने आधा मीटर लिया है और उसके साथ ये लाइनिंग ली है और हमने ये रेक्सिन का कपड़ा लिया है। हम ये विंटर के लिए बना रहे हैं तो हमने हाई नेक स्टाइल बनाने के लिए हमने ये रेक्सिन का कपड़ा लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से दोनों पीस को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। अब हम इसके ऊपर हाई नेक रखेंगे इस तरह से। अब हम कटिंग करेंगे इसके ऊपर। इस तरह से चारों तरफ से कटिंग कर दी है। अब हमारी बाजू की जो कटिंग है, हम इसी तरह बाजू इस तरफ और दोनों तरफ से फोल्ड करके इस तरह कटिंग करेंगे जैसे हमारी हाई नेक की कटिंग है। अब हम नीचे से 2 इंच तक हम छोटी कटिंग करेंगे। हम फ्रॉक बनाएंगे तो इसके लिए हमारी जो हाई नेक की लंबाई है वो हमने छोटी रखनी है इस तरह से। अब हम नेक की कटिंग करेंगे इस तरह से मेज़र करके। हमारी नेक जो है वो वेद में 6 इंच है तो इस तरह से हम 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। और लंबाई में 1 इंच तक हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। हमने इस तरह से 4 पीस कर लिए हैं। अब हम कटिंग करेंगे ऊपर बाजू रख के। अब हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। हमने जो आधा मीटर शिफॉन का कपड़ा लिया था इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम एक और बार हम इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग होती है इस तरह से। हमने जो हाई नेक की कटिंग की है हम इस तरह से ऊपर रख के, ये हमारी कमर की नाप है। अब हम लंबाई में इस तरह से मेज़र करेंगे। हमारी लंबाई है 14 इंच है तो हम इस तरह से 14 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। अब हम कटिंग करेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया है। अब हम ऊपर से भी कटिंग कर देंगे। अब हम लाइनन की कटिंग करेंगे इसके ऊपर रख के इस तरह से। इस तरह से जो लाइनन का कपड़ा था फोल्ड कर दिया है। 4 पीसेस हमने लिए हैं इस तरह से। अब हम निशान लगाएंगे और लंबाई में जहाँ तक हमारी ये लाइनन का कपड़ा है हम मेज़र करेंगे। हमारी 3 इंच कम है तो इस तरह से हम इधर से भी 3 इंच कम करके निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। अब हम सिलाई करेंगे। पहले बाजू की सिलाई करेंगे इस तरह से, मोहरी वाली सिलाई करेंगे। हमारी एक दिन का कपड़ा है तो हमारी मशीन कभी नहीं चलती है तो इस तरह से हमने पेपर की स्ट्रिप ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई करेंगे। अब हम स्ट्रिप निकाल देंगे इस तरह से। हम हाई नेक की सिलाई करेंगे, साइड वाली सिलाई करेंगे। ये हमारी बाजू का निशान है तो इस तरह से इस निशान के नीचे इस तरह से स्टिप रख के
सिलाई करेंगे। हमने फिटिंग की सिलाई दोनों तरफ से कर दी है। अब हम शोल्डर की सिलाई करेंगे सेम इसी तरह। हमने फिटिंग की सिलाई कर दी है और शोल्डर की सिलाई भी कर दी। अब हम नेक बनाएंगे इस तरह से। हमारी नेक की जो मेज़र थी वो हमारी 6 इंच थी, तो इस तरह से हमने 4 पीस लिए हैं, दो इस तरह से और इस तरह से टर्न करेंगे तो दो और बन जाएंगे। अब हम मेज़र करेंगे। हम लंबाई में हमारी नेक की जो लंबाई है वो हम 3.5 रखेंगे और जो हमारी नेक की चौड़ाई थी वो हमारी 6 इंच थी, तो इस तरह से 6 इंच पे रखेंगे। हम साइडों से सिलाई करेंगे तो हमारा 6 इंच बन जाएगी। अब हम सिलाई करेंगे। अब हम इस तरह से एक साइड पे सिलाई हमारी हो गई है और दूसरी साइड पे हम इस तरह से थोड़ा सा निशान लगाएंगे। अब हम टर्न करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारी नेक बन जाएगी। अब हम अटैच करेंगे शोल्डर की सिलाई से इस तरह से ऊपर रख के। हमने हाई नेक की नेक लगा दी है। अब हम बाजू लगाएंगे इस तरह से। हमारी हाई नेक रेडी हो गई है। अब हम नीचे से इसकी फ्रॉक बनाएंगे इस तरह से। हमने ये ब्लैक कपड़ा लिया है, इस तरह से हम कटिंग करेंगे। हमने ये 2 पीस निकाल लिए हैं। अब हम एक और 2 पीस निकालेंगे इसके ऊपर इस तरह से रख के। हमने जो फिटिंग की सिलाई कर दी है और दामन की सिलाई भी कर दी है फ्रॉक की। अब हम इस तरह की हमने स्ट्रिप ली है, 3 इंच पे हमने वेद में लिया है और 1.5 मीटर हमने लंबाई में लिया है। दोनों तरफ से हमने पीको करवा लिया है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे, ये हम सिर्फ फ्रंट साइड लगाएंगे इस तरह से। थोड़े थोड़े हम चुन्नट बनाते जाएंगे और फिर हमारी इस तरह से बनती जाएगी। हमने इस तरह से ऊपर से फ्रिल हमने लगा दी है। अब हमने लाइनन के ऊपर भी फ्रिल लगाएंगे। हमने ये ब्लैक कपड़ा लिया है, इस तरह से हमारा 3 मीटर ये कपड़ा है और हमने साइड से इसकी फोल्डिंग कर दी है। अब हम लाइनन के ऊपर रख के लंबाई में हम इस तरह से टक्स बनाएंगे। हमने इस तरह से लाइनन के ऊपर भी फ्रिल लगा दी है। अब हम मेज़र करेंगे इस तरह से। हमने बराबर में कटिंग की है। हमने फ्रिल लगाने के बाद भी ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे, लेकिन हमारी ये सेम हो रही है तो इसके लिए हमारा जो ऊपर का शिफॉन का कपड़ा है हम इसको ऊपर इस तरह से रख के जहाँ पर हमारी फ्रिल स्टार्ट हुई है वहाँ पर हमारी ऊपर शिफॉन के कपड़े की फ्रिल ख़त्म होनी चाहिए। इस तरह से ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगा, तो ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम कटिंग करेंगे।
अब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। इस तरह से पहले हम दोनों फ्रिल को इस तरह से अटैच करेंगे, फिर हम ऊपर हाई नेकर पे अटैच करेंगे। हमने इस तरह से जो कटिंग की थी तो हमारे ऊपर का जो कपड़ा है शिफॉन का वो हमारा बड़ा है, तो इस तरह से हम सिलाई के ऊपर सिलाई रख के और सेंटर से हम इस तरह से एक टक्स बनाएंगे। अब हम इस तरह से अटैच करेंगे फ्रिल और हाई नेक को इस तरह से। हमने पेटी को अटैच कर दिया है फ्रिल के साथ, ये हमारी फाइनल लुक है। हमने ब्रूचेस भी लगा दिए हैं इस तरह से। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो आप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।